नमस्कार दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर कहते सुना होगा कि मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बाहर सीढ़ियों पर या परिसर में ही बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने के पीछे की असल वजह क्या है? दरअसल ये प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर के पैड़ी पर बैठ करके हम एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक इस प्रकार है, अनायसेन मरणम बिना दैन्यन जीवनम, देहांत तव सानिध्यम देही में परमेश्वरम। तो चलिए अब बताते हैं इस श्लोक का पूरा अर्थ। अनायसेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना दैन्यन जीवनम का अर्थ है परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना पड़े रहना। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो, ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तब सानिध्यम का अर्थ है जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देही में परमेश्वरम का अर्थ है हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद ले, आंखों में उनके स्वरूप को भर ले, मन से दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें, और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।